नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो इस वक्त भोपाल से है, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया है। बड़ा बयान पीसीसी चीफ कमलनाथ का, बीजेपी के विधायक मेरे संपर्क में है, ये दावा किया है कमलनाथ ने। मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान पर उनका पलटवार। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कल कहा था कि कई कांग्रेस के बड़े नाम बीजेपी में आना चाहते हैं, अगर दरवाजे खोल दिए तो कांग्रेस खाली हो जाएगी। ये तमाम बयानात भूपेंद्र सिंह, नगरीय प्रशासन मंत्री, और अब उनकी बात पर, उनके बयान पर कमलनाथ ने पलटवार किया है। कहा बीजेपी के विधायक मेरे संपर्क में हैं। हालांकि गौर हो कि जब सिंधिया और सिंधिया खेमा जो जितने भी विधायक उनके साथ गए, उससे पहले भी कमलनाथ का ये दावा था, हालांकि हुआ उल्टा। और अब एक बार फिर कमलनाथ ने ये बात कही है कि बीजेपी के विधायक मेरे संपर्क में हैं। अब अमित शाह कुछ भी कहें, कांग्रेस अपना फैसला करेगी। जब वो लाएंगे हम देखेंगे। ये सब राजनीति हमारे देश की संस्कृति के विपरीत है। अमित शाह कुछ भी कहें, कांग्रेस अपना फैसला करेगी। जब वो लाएंगे हम देखेंगे। ये सब राजनीति हमारे देश की संस्कृति के विपरीत है। तो कमलनाथ साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में। हालांकि इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये तो कमलनाथ ही जाने। लेकिन अब ये जो बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है कि तुम्हारे विधायक हमारे पास आना चाहते हैं, और वो दूसरे तरफ से दूसरा पक्ष ये कहते हुए नजर आते हैं कि तुम्हारे विधायक हमारे पास आना चाहते हैं। तो ये जो सियासी रस्साकशी शुरू हो गई है, एक दूसरे पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, या फिर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अभी भी दल बदल मध्य प्रदेश में आने वाले समय में संभव है। चलिए समझने की कोशिश हम करते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। मैं और भी बताएंगे कि कैसे वो देखते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कमलनाथ इस तरह की बातें रख रहे हों। इससे पहले भी वो कह चुके हैं बीजेपी के विधायक या बीजेपी के नेता मेरे संपर्क में हैं। हालांकि इससे पहले भूपेंद्र सिंह ने कल कह दिया था, और आज उनका ये बयान सामने आया है। तो ये सिर्फ काट के तौर पर देखा जाए, एक शिगफा समझा जाए, ये वाकई आपको लगता है? क्योंकि अंदर खाने दोनों ही दल में सुगबुगाहट तो होती ही रहती है। निश्चित तौर पर पारोल, ये बार पर पलटवार कह सकते हैं हम इसको। जिस तरह से कल हमने देखा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा में बहुत सारे कांग्रेस के नेता और विधायक आने के लिए कतार में खड़े, लेकिन हमने दरवाजा बंद कर रखा है। तो आज उसका ही पलटवार आया है कमलनाथ की तरफ से कि मेरे संपर्क में भी बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे भाजपा के लोग हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। हमने देखा है कि 2018 में जब चुनाव हुए थे, इसके बाद किस तरह से कमलनाथ सरकार डगमगाई थी और सत्ता से बाहर हो गई थी, तब भी दोनों ही दल एक दूसरे पर कहते थे कि हमारे संपर्क में। कांग्रेस भी दावा करती थी हमारे संपर्क में बहुत सारे विधायक हैं, और दो विधायक हमने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस के पाले में जाते हुए भी दिखे थे, जो एन वक्त पे जैसे ही सरकार गिरी तो वापस भाजपा में आ गए थे। लेकिन भाजपा के संपर्क में जो विधायक थे, वो देखा किस तरह से सत्ता पलट करती थी। तो ये जो दावे प्रतिदावे हैं और ये पलटवार है, उसको हम मनोवैज्ञानिक तरीके से देख सकते हैं कि एक दूसरे के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, एक दूसरे कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। आज की तारीख में हम देखें तो कमलनाथ जी के संपर्क में
यदि पहले वो दावे करते थे सीएम रहते हुए कि मेरे संपर्क में बहुत सारे विधायक हैं, तो निश्चित तौर पर जब उनके संपर्क में विधायक होते तो वो भी उसी तरह से विधायक अपने पाले में ला सकते थे और अपनी सरकार बचा सकते थे। जो संपर्क में नहीं थे इसी वजह से शायद उनकी सरकार गिर गई, लेकिन अब वो दावा करते हैं कि हमने खरीद फरोख्त नहीं की, हम खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते, इस कारण हमने वैसा नहीं किया जैसा भाजपा ने किया है। भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि वो बिकाऊ लोगों को लेकर चले गए, लेकिन अभी ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है कि कोई भी नेता या कांग्रेस से या भाजपा से एक दूसरे दल में जाए। हम ये परिस्थितियां तब देखते हैं जब चुनावी माहौल बन जाता है, जब चुनाव में जाते हैं, तो जब चुनाव की मौका आएगा तब हम देखेंगे कि अगले साल जब चुनाव होंगे तो एक दूसरे दल से एक दूसरे दल में जाते हुए लोग दिखेंगे, चाहे वो विधायक भी हो सकते हैं, नेता भी हो सकते हैं। जो टिकट के दावेदार रहते हैं उनको टिकट नहीं मिलता, वो दूसरे पाले में चले जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति हमने उत्तर प्रदेश में भी देखी है, पंजाब में भी देखी है, तो मध्य प्रदेश में भी बनेगी, तो उसी का माहौल बनाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। पारुल, बिल्कुल, और इसका कितना इफेक्ट आप देखते हैं कि कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि सिर्फ कहने भर से नहीं सिंधिया और सिंधिया खेमा पूरा का पूरा बीजेपी में चला गया था, और अब जब दोबारा कमलनाथ ये कह रहे हैं तो कांग्रेसी कार्यकर्ता, खासतौर पर वो कार्यकर्ता जो मेहनत करता है, जिसका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें जोश भरने की जरूरत है, वो कितना अपने नेता पर यकीन कर रहा होगा, क्योंकि पिछली परिस्थिति उस वक्त भी बयानबाजियां थी, उस वक्त भी तमाम दावे थे, और अब की परिस्थिति। देखिए, दावों में और हकीकत में बहुत कुछ अंतर होता है राजनीति में, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चे तो शुरू हो ही जाते हैं। यदि आज कमलनाथ ये पलटवार नहीं करते तो निश्चित तौर पर उनके कार्यकर्ताओं को लगता है कि बहुत सारे नेता हमारे भाजपा के संपर्क में होंगे, तो इससे उनको लगता है कि हम सरकार में नहीं आ सकते हैं, ऐसे हमारे नेता भी मान रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनका मनोबल डाउन होता, तो इसी कारण उनको आज पलटवार करना पड़ा कि हमारे भी संपर्क में बहुत सारे नेता हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं, कांग्रेस पहली बार बहुत समय से पहले तैयारी कर रही है, 17 माह बचे हैं चुनाव में, लेकिन कांग्रेस कभी इतने पहले सक्रिय नहीं हुई, लेकिन सर्वे से लेकर बैठकों से लेकर बूथ स्तर तक जाने की कोशिश कर रही है, तो निश्चित तौर पर भाजपा उनके कार्यकर्ताओं को मनोबल डाउन करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से हमने देखा 3 बार लगातार सरकार से बाहर रहे वो, तो एक मनोबल डाउन हुआ था, लेकिन जो 2018 में कांग्रेस सत्ता में वापसी आ गई थी उसके कार्यकर्ताओं में जोश भरा, उसके कार्यकर्ताओं को ये लगा कि हम भी सत्ता में आ सकते हैं। जो देश की परिस्थितियाँ, जो कांग्रेस के हालात हैं, यदि ऐसे में मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं डलेगा, कार्यकर्ताओं का जोश नहीं भरा जाएगा, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता घर बैठ जाएगा, वो पार्टी के लिए काम नहीं करेगा, उसको नुकसान होगा इससे पार्टी को। यही वजह है कि कमलनाथ को फ्रंट पे आना पड़ा और उसका पलटवार करना पड़ा, ताकि उनके कार्यकर्ताओं में वैसा ही जोश रहे कि जब हम 2018 में सत्ता में आ सके थे तो अब भी आ सकेंगे जब हम पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो पारुल, कुछ समय पहले की अगर हम बात करें ब्रजेश जी, तो हम जब चर्चा करते थे तो ये कहा जाता था कि कमलनाथ प्रदर्शन में 10 मिनट के लिए पहुंचे, या कमलनाथ बयानबाजी सिर्फ देकर 5 मिनट में मीडिया से रूबरू होकर निकल जाते हैं, लेकिन अब जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि एक्टिव दिखाई दे रही है कांग्रेस चुनाव से 17 महीने पहले ही, जबकि इतनी जल्दी कांग्रेसियों की आदत नहीं है कि वो चुनावी मूड में आ जाए, लेकिन अब हम देख रहे हैं काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं कमलनाथ। जाहिर है कांग्रेस को अपनी कमियां समझ में आने लगी हैं, उनको समझ में आने लगा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चुनाव में जुट जाएं, और फिर कहीं ना कहीं खुद कमलनाथ का जो इमेज है, उनका स्वाभिमान भी सामने आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ज़्यादा समय तक वो रह नहीं पाए। निश्चित तौर पर पारुल, हम देखते हैं कमलनाथ के पास होने को कुछ भी नहीं है, वो उस राजनीति के आखिरी दौर में है जब वो एक बार और मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर इसके बाद वो घर बैठ जाएंगे। केंद्र में अभी कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है, भाजपा या कांग्रेस, तीसरे दल यहाँ विकल्प के रूप में नहीं बन पाया है। यही वजह है कि कमलनाथ को लग रहा है कि एक बार और मौका मिल सकता है और वो पूरा ताकत लगा रहे हैं, वो पहले से सक्रिय हो गए और उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं में क्यों नहीं उम्मीद जागेगी जब 2018 में सत्ता में आ चुके हैं और किस तरह से 15 माह उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया था, तो उनकी उम्मीदें बड़ी हुई हैं, इसी वजह से पहले से सक्रिय हो गए हैं, बूथ स्तर तक जा रहे हैं। कल हमने देखा कि किस तरह से कमलनाथ रतलाम में थे और अब इसके बाद प्रशांत किशोर की भी सक्रियता की बात की जा रही है और कमलनाथ ने कहा है कि प्रशांत किशोर आए या ना आए, हम तो 6 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कमलनाथ का जो कॉन्फिडेंस है, वो चाहते हैं कि ये कॉन्फिडेंस है ना कार्यकर्ताओं में भी जाए, नीचे तक जाए, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिल सके। बिल्कुल ब्रजेश जी, बीजेपी से आशीष शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। आशीष जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर, सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? जी सुन पा रहा हूँ। आशीष जी, पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान, बीजेपी के विधायक मेरे संपर्क में है, क्या कहिएगा? देखिए, कमलनाथ जी खुद के विधायकों से, मंत्रियों से तो संपर्क रख नहीं पाए, उनसे संपर्क रख लेते, उनकी बातें सुन लेते, उनको सम्मान दे देते तो उनकी सरकार मध्य प्रदेश में इस तरह से नहीं जाती।
और आज वो बयान दे रहे हैं कि भाजपा के विधायक उनके संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विधायक दल एकजुट है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और ये सरकार का 2023 तक कुछ नहीं बिगड़ना है और 2023 में पुनः हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में बनाएंगे। कमलनाथ जी जो सपने देख रहे हैं वो सपने कभी साकार नहीं हो सकते अभी इस मध्य प्रदेश में, उन्हें जनता ने हमेशा के लिए विदा कर दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो सकारात्मक वातावरण है, जो हमारे विकास कार्य है, जनता के प्रति हमारा जो विश्वास है वो पहले से और ज्यादा मजबूती के साथ दिख रहा है। लेकिन लगातार कमलनाथ सक्रिय भी दिखाई दे रहे हैं, वो इधर से अगर कोई बयानबाजी होती है तो पलटवार उनकी तरफ से होता है, कल भूपेंद्र सिंह जी ने कहा था और उसी के जवाब में आज कमलनाथ जी ने पलटवार कर दिया। तो आशीष जी, ये सिर्फ बयानबाजियों का दौर चल रहा है, इधर से भूपेंद्र जी ने भी कहा, उधर से कमलनाथ जी ने भी कहा, तो वजन दोनों की बातों में नहीं है क्या? कमलनाथ जी के बयान से कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा कि वो अपने कांग्रेस के जो उनका जो संगठन है उनके अंदर जिस तरह की खींचतान मची हुई है उस पर ध्यान दें और कांग्रेस पार्टी ने जो कमलनाथ जी को दोनों पद इस समय दे रखे हैं उसका कोई ना कोई निपटारा करे। अपनी पार्टी तो उनसे संभल नहीं रही है, हमारे विधायकों पर ध्यान दे रहे हैं, हमारे विधायकों पर नजर बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूरे विधायक भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति और सरकार के साथ पूरी ईमानदारी से है। नहीं तो कांग्रेस से भी लोग संपर्क में है बीजेपी के, ऐसा भूपेंद्र साहब ने कहा कल, तो अभी भी क्या ये संभावना जताई जाए कुछ और भी आने वाले हैं? देखिए निश्चित ही भारतीय जनता जी, आशीष जी कहिए, आपका तो संपर्क नहीं किया कमलनाथ जी ने, पहला सवाल तो ये है मेरा। दूसरा ये, हमसे कोई भी संपर्क कर ले हमारे ईमान को कोई खरीद नहीं सकता था। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे हैं और ताउम्र जब तक ये सांस हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी का काम करते रहेंगे। लेकिन आपके कुछ विधायक तो हैं उनके संपर्क में, जिस तरह की उनकी भाषा आ रही है। देखिए तीर तुक्का चलाना, भ्रम का जाल खड़ा करना, शरद कोल हो चाहे नारायण त्रिपाठी हो, दोनों विधायक उनके पाले में गए थे, आपको भी पता है। हमारे पास कितने कांग्रेस के विधायक संपर्क में, अगर हम नाम बता देंगे तो अभी कांग्रेस की जमीन खिसक जाएगी। तो बढ़िया है ना, आप भी खुलासा कर दीजिए जो चार नामों का। इसलिए कांग्रेस को अपने संगठन पर ध्यान देना चाहिए, विपक्ष है तो विपक्ष की तरह जिम्मेदार मुद्दे उठाएं वो ठीक अच्छी बात है, लेकिन जिनसे खुद का संगठन नहीं संभल रहा है, खुद के विधायक मंत्री जिनसे नहीं संभले, वो हमारे विधायकों के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, खुद तो संभल नहीं पाए और हमें लड़खड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम न लड़खड़ाएंगे न टिकेंगे, हम पूरे 5 साल का कार्यकाल न सिर्फ पूरा करेंगे बल्कि इसी कार्यकाल के आधार पर 2023 की जीत की इबारत भी लिखेंगे। ब्रजेश जी कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं शुक्रिया आशीष जी, आशीष जी हमसे जुड़ने के लिए जी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आशीष जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। ब्रजेश जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? देखिए पारुल जी, ये दावे प्रतिवावे हैं जिसके तरह से हम देख रहे हैं कि नारायण त्रिपाठी की भाषा देख लें हम, चाहे शरद कोल तो जिसके बाद से शांत हैं, लेकिन नारायण त्रिपाठी लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग एक दूसरे पार्टी में संपर्क में रहते हैं। अजय सिंह को हम देखते हैं कि जब वो नरोत्तम मिश्रा के घर पर जाते हैं तो किस तरह की सुगबुगाहटें उठती हैं। अरुण यादव जाते हैं नेता मिलने के लिए गृह मंत्री के यहाँ, तब भी इस तरह की सुगबुगाहटें उठती हैं। तो ये चर्चाएँ चलती रहती हैं, सियासी गलियारों में इसके मायने निकाले जाते रहते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी परिस्थिति नहीं है। निश्चित तौर पर मैंने जो पहले भी कहा था आपसे कि जब चुनाव का समय आएगा दिसंबर 2023 में जब चुनाव होंगे तो कई नेता ऐसे हैं जो इधर से उधर जाएंगे। हमने 28 उपचुनाव हुए तब भी भाजपा के कई नेताओं को कांग्रेस ने टिकट दिया, जिनको यहाँ टिकट नहीं मिला था उनको वहाँ पार्टी ने अपने यहाँ लेकर टिकट दिया, और भाजपा ने तो लगातार जो शामिल हुए थे उनके पास सभी को एक साथ टिकट दिया था, तो नाराज लोग भी वहाँ गए थे। तो ऐसी नाराजगी हमें आगे भी देखने को मिलेगी, तो इसी कारण तुक्के लगाए जाते हैं राजनेताओं को, एक दूसरे पर दावे और प्रतिदावे किए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं। अभी कल नगरीय प्रशासन मंत्री ने ये कहा कि बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं, हम पार्टी के दरवाजे बंद करे हुए हैं। तो आज निश्चित तौर पर कमलनाथ का बयान आना ही था, और उन्होंने भी वही कहा कि हमारे भी संपर्क में बहुत सारे हैं, तो संपर्क में तो एक दूसरे से बातचीत होती रहती है। के मिश्रा जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी बने रहिएगा। के मिश्रा जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका, अनादि टीवी पर सुन पा रहे हैं आपसे। थैंक यू। कमलनाथ जी का बयान सर जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में हैं, कितनी हकीकत? कमलनाथ जी गंभीर किस्म के नेता हैं, संजीदे नेता हैं, वो गॉसिप में भरोसा नहीं करते हैं। यदि उन्होंने कहा है तो कुछ आधार होगा, कुछ प्रमाण होंगे
और यदि कहा है तो आने वाले दिनों में आपको दिखाई भी देगा। ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, मिश्रा जी पहले भी आपके संपर्क में रहे हैं, तो इतनी देर क्यों लगा दी आपने पलटवार करने में? यदि कल नगरीय प्रशासन मंत्री कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में बहुत सारे कांग्रेस के विधायक हैं, हमने दरवाजे बंद कर रखे, एक दिन बाद आपकी प्रतिक्रिया आती वो भी कमलनाथ जी की। आपसे पहले भी संपर्क में रहे शरद कोल रहे हैं, नारायण त्रिपाठी रहे हैं, तो क्या अब भी और कोई संपर्क में है क्या? खुलासा करने में इतना समय क्यों? मिश्रा जी, हेलो जी, मिश्रा जी इतना समय क्यों लगा रहे हैं फिर कमलनाथ जी, यही पूछ रहे ब्रजेश जी। नहीं देखिएगा, जब मौका आने पर ही उसका जवाब दिया जाएगा ना, बेमौसम बारिश तो होती नहीं। अभी क्या आधार है जिस तरह से आपने कहा कि हमारे भी संपर्क में बहुत हैं? पहले भी आपने ऐसे दावे किए थे जब सरकार में थे, लेकिन सरकार चली गई, सिर्फ दो लोगों का खुलासा हो पाया। सरकार चली नहीं गई, लोग बिक गए थे। तो अब बिकाऊ नहीं बचे क्या आपकी पार्टी में कुछ, क्या अभी भी कोई आशंका है? आने वाले वक्तों में आपको सब दिखाई दे जाएगा, जरूरी नहीं कि आज ही सब कहा जाए। यानी मिश्रा जी फिलहाल अभी कमलनाथ जी को ही पता है कि कौन आने वाला है या कौन नहीं आने वाला है, कौन उनके संपर्क में है, बाकी पार्टी के किसी नेता को उन्होंने अपने विश्वास में नहीं लिया। जी बेशक। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आधार पर बात नहीं बन पाई सर, आपका सवाल जिसमें आपने पूछा कि किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं, आपके सवाल पर बात नहीं बन पाई, वो जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। दरअसल क्या है पारुल, कि हमने देखा है कि ये दावे आज नहीं कर रही कांग्रेस, जब वो 15 माह सरकार में रही, सरकार में आने के बाद से लगातार इसी तरह के दावे करती रही कि हमारे संपर्क में बहुत सारे भाजपा के विधायक हैं, लेकिन किस तरह से उनकी जमीन खिसक गई, उनके से पैरों के नीचे से सत्ता चली गई, इसके बाद भी कोई खुलासा नहीं हो पाया। तो अब उनके पास कहने को कुछ नहीं, क्योंकि कल नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा है, जिस तरह से हार्दिक पटेल का बयान आया कि कांग्रेस की हालत पे गुजरात से, तो उसकी हलचल मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली। नगरीय प्रशासन मंत्री का जो बयान आया तो उसका पलटवार करने के लिए सिर्फ उन्होंने कह दिया कि मेरे भी संपर्क में है। निश्चित तौर पर अभी ऐसी कोई आसार नहीं है कि कोई संपर्क कर रहा होगा, जो संपर्क कर रहे हैं तो हमने देखा है कि उपचुनाव में किस तरह से सचिन बिरला इधर आ गए हैं, किस तरह से राहुल लोधी आ गए थे, तो जो आने वाला होता है वो आ जाता है, लेकिन अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि कोई अपनी विधायकी को खतरे में डालेगा। निश्चित तौर पर जब चुनाव आएंगे तब एक दूसरे दल में जाने की शुरुआत होगी। पारुल, किसी दल पर नेताओं का विश्वास, ये सवाल इसलिए भी मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि जब सरकार में भी थे, कमलनाथ की सरकार थी, उस वक्त भी सिर्फ दो ही विधायक थे जिसको वो अपने पास लाने की कोशिश कर भी रहे थे, तो वो उनके पास चले भी गए थे, हालांकि ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन इन ऑफिशियली उनके पास बैठना उठना विधानसभा से भी हमने तस्वीरें देखी थी, और उसके बाद सरकार चली गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो सिंधिया और पूरा ग्वालियर चंबल खाली हो गया सर, तो अभी क्योंकि सरकार में तो है नहीं कांग्रेस, तो आपको लगता है कि बीजेपी का कोई भी नेता इस ट्रस्ट में आ रहा होगा या कोई आगे उम्मीद देख रहा होगा? निश्चित तौर पर अभी किसी के जाने की संभावना नहीं है। जिन दो लोगों के नाम ले रही हैं आप, उनमें नारायण त्रिपाठी का यदि हम जिक्र करें तो उनकी दल बदलने की पूरी इतिहास रहा है। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में रहे हैं, फिर कांग्रेस में चले गए थे, फिर इसके बाद भाजपा में आ गए, तो वो दल बदलते रहे हैं, तो उनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है। ये सब जो लोग होते हैं जो खुद का फायदा देखते हैं, ऐसे नेता तत्काल हम देखते हैं कि बदल जाते हैं, टिकट नहीं मिलेगा तो आपको वो दूसरे दल में जाते हुए दिखेंगे, और या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे, समाजवादी पार्टी, बसपा या वो कांग्रेस से किसी भी दल से चुनाव मैदान में रहना चाहते हैं और चुनावी राजनीति करना चाहते हैं, जनता के बीच में रहने के लिए जब टिकट कट जाता है तो ऐसे नेता चले जाते हैं। लेकिन भाजपा से जाने का सवाल इसलिए नहीं उठता कि भाजपा में किसी नेता के पीछे नहीं रहते कार्यकर्ता, कांग्रेस में हम देखते हैं कि नेताओं के कार्यकर्ता होते हैं, वो नेताओं के पिछलग्गू होते हैं, अभी पार्टी के लिए काम नहीं करते। यदि उनका एक नेता जाता है, हमने यदि देखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया जाते हैं, तो उनके तमाम समर्थक आप देखते हैं कि भाजपा में आ जाते हैं, लेकिन कांग्रेस भाजपा में इस तरह की परिस्थितियां नहीं है। आप देखते हैं कि उमा भारती जाती हैं तो भाजपा का कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं, वो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती हैं लेकिन खुद हार जाती हैं। तो भाजपा एक संगठन उसका इतना मजबूत है, एक ऐसा संगठन दल है वो जिसमें कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ता है ना कि नेता से, यही हालात हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि कांग्रेस का पतन हो जाता है, लेकिन भाजपा को वह फर्क नहीं पड़ता उनके नेता जाने पर, वो नेता जाने पर भी पार्टी उतनी मजबूती से रहती है, जो भी जिसको भी टिकट दिया जाता है कार्यकर्ता उसके लिए काम करता है, उसके लिए समर्पित रहता है पार्टी के लिए, लेकिन कांग्रेस में नेता के लिए समर्पित रहता है कार्यकर्ता। ये वजह है, दोनों दलों में ये अंतर है बेसिक, इसी वजह से इसके नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस तमाम खबर पर विश्लेषण करने के लिए।
बीजेपी से आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और के मिश्रा जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। दोनों से सवाल लिए गए, दोनों के ही अपनी अपनी बातें जो पार्टी के तहत उन्हें कहनी चाहिए या जो नियमों के साथ उन्हें कहनी चाहिए वो तमाम बातें कहते हुए नजर आए। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई हमने सोशल मीडिया की मीटिंग करी है? मध्य प्रदेश कांग्रेस सबसे आगे है पूरे देश में और मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया में। बीजेपी की विधायक